हाय गाइस, दिस इज रेकी एंड वेलकम बैक टू रेकी भारत व्लॉग्स अगेन। सो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, भाई देख लो कहाँ से, गली से स्टार्ट हो रहा है। एंड भाई रात को मैं जैसे कि 2 बजे सोया, नींद ही नहीं आई। कल मेरे थोड़ा तबीयत ख़राब थी तो मैं सो गया था शाम को, तो 1.5-2 घंटा शाम को सो गया। उस वजह से रात को लेट नींद आई और उसी की वजह से रात को लेट सोया तो सुबह भी लेट उठा 9 बजे के आसपास, फिर भी उठ ही गया था। एंड लेट तो कुछ नहीं आई, फिर भी भाई उठने के बाद जैसा कि आज मेरा पेपर है मैंने सबको बता रखा है, और आप सोच रहे होगे कि भाई ये विषय की भाई क्या कर रही है, पहचान तो ली होगी आपने लाल पाती से, तो सब बताऊंगा भाई धीरे धीरे। एंड शुरुआत कर दूं भाई किससे, सुबह शेड्यूल से। ऐसा शेड्यूल रहा भाई, पूरा बिजी, बिल्कुल टाइट। उठाऊँ फटाफट, इधर उधर काम करे, डॉक्यूमेंट का काम करा, चार्जर निकाला, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, आटे के कट्टे का काम करा, घर के छोटे मोटे काम करे, खाना वाना खाया। एंड क्या बोलते हैं, फिर मेरी भी क्या था भाई, मैंने इसका जुगाड़ करा कि कैसे जाऊँगा कैसे नहीं। तो भाई बातचीत ये बनी कि देखो चाचा की कार तो बिजी थी, चाचा की कार हो नहीं पाई। एंड भाई मेरे भाई पापा बाइक लेके जाएंगे तो पापा की बाइक भी नहीं हो पाए, और मेरी स्कूटी का भाई क्या था, स्कूटी का ये सीन है उसका ना भाई, विश्वास सा नहीं उस पर कि इतनी दूर हो जाए, जा पाएगी नीचे जा पाएगी। और वैसे भी आज पेपर है तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता था, तो मैंने विषय को कॉल कर लिया, विषय पास सब कुछ था तो मैंने विषय से बाइक ले ली। एंड उससे बाइक लेने भी मैं कहाँ पे गया हूँ, सफियाबाद गाँव पार करके। एंड भाई वहाँ पे ना काफ़ी देर वो खड़ा भी रहा बेचारा मेरी वेट में, एंड मैं ही बिजी हो गया काफ़ी ज़्यादा, इतने सारे काम थे तो जल्दी जल्दी दे के आया। और फिर मिरर्स लगवाए, ये मोबाइल होल्डर लगवाया कि भाई रास्ता तो पता नहीं तो मोबाइल होल्डर ही, मोबाइल के थ्रू ही पता लगेगा रास्ता कहाँ पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एंड देखो अभी निकले हैं और जैसा भी शेड्यूल रहता आगे सब बताता रहूँगा, पहले तो मैं पेट्रोल भरवाना, और मेरा प्रोग्राम था 11 बजे निकलने का, एंड भाई 12 बज चुके लिटरली, इतना लेट हो चुका हूँ बताने कुछ राय नहीं है। 2:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे तो 2:30 बजे से पहले पहले पहुँचना पड़ेगा। टाइम भी दिखा देता हूँ एक बार, कितना हो गया टाइम, टाइम 12:01, एग्जैक्ट 12:01। फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, आते हुए वापस आते हुए काफ़ी सारी बात करेंगे। तो अभी आपको मिलूँगा मैं पेट्रोल पंप पे, और दिखाता हूँ पेट्रोल भरवा के, और फिर सीधा सेंटर पे ही मिलूँगा, क्योंकि बीच में मेरे को बातचीत करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो सिर्फ मेरे को रास्ता ही रास्ता देखना है सबसे बड़ी चीज़ तो। एंड दूर भी पता है कितना पड़ा है भाई, अगर आसपास होता ना रोहिणी वगैरह तो मैं अपनी स्कूटी आँख बंद करके ले जाता, लेकिन भाई अब पड़ा है अपना सेंटर नोएडा में, जहाँ पे जतिन जाता है गलगोटियस यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज़ 70 किलोमीटर, अराउंड 60-70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते भी। कर दो चालू, देखते हैं कितने डंडे ऊपर आगे होंगे, पहले तो 2 डंडे थे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी भी 2 ही डंडे हैं। डिजिटल मीटर है यही होता है, और भाई सुई वाला साथ के साथ उठता है, ये चीज़ बढ़िया लगती है भाई, अभी धीरे धीरे उठेगा 2 डंडों में। और पॉल्यूशन भी करवा देते हैं भाई, कोई है नहीं क्या यहाँ, भाई अपना ठेला ही छोड़ के जा रखा है, कहाँ पे गया हुआ है डोंट नो भाई, यहाँ पे तो बंदा गया हुआ खाना खाने, तो पोल्यूशन का काम नहीं हो पाएगा, इसका भी रिस्क लेके चल पड़ेंगे, देखो किस्मत रही तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो जय बाप भाई। ओ भाई टोयोटा हाई, क्या नाम है उसका, हाई फ्लायर ऐसा कुछ था, एक नंबर की ट्रक सा बिल्कुल। सबके शुरू से ना अपने ड्रीम होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का भाई फोटोग्राफर का ड्रीम होता है, मतलब सेम सेम ड्रीम होते हैं सबके। मेरा ड्रीम पता है क्या था, जो मैं अभी ये कर रहा हूँ ना, मेरा ये ड्रीम था, मेरा ड्रीम था हमेशा से मोटो ब्लॉगिंग करने का। एंड भाई मौका तो था नहीं, 7th-8th से देखो यूट्यूब देखता आ रहा हूँ, मोटो ब्लॉगिंग देखता आ रहा हूँ, पता नहीं कितने सालों से JS Films और जट व्लॉग्स को फॉलो कर रहा हूँ। एक बंदा है आयुष वर्मा करके, वो भाई RS 200 लेके आया था अपनी पहली बाइक, मैं जब से उसे फॉलो कर रहा हूँ उस बंदे को,
भाई उसने ना उसके बाद करीब 6-7 बाइकें ले चुका, अभी भी उसके पास 6-7 बाइकें हैं एंड अभी भी मैं उसको देखता हूँ, अभी भी फॉलो करता हूँ। तो यही है भाई, शुरू से ना मेरा भी यही ड्रीम रहा है कि मैं भी मोटो व्लॉगिंग करूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मौका मिल नहीं पाया कि मेरे पे भी अच्छी बाइक हो या फिर सेटअप वेटअप हो। तो सेटअप का तो चलो हो गया, लेकिन बाइक बढ़िया रह जाती है। तो फटाफट से अब मैं ना सीधा सेंटर पे मिलूँगा, तो फटाफट फ़ोन को रख देता हूँ अंदर एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। एक और चीज़ देख लो, पहले तो पेट्रोल के डंडे थे 2 और अब बिल्कुल फुल से 1 तो मैं एंड जो भाई गलगोटियस भी 2 करके यूनिवर्सिटी है, एक तो है गलगोटियस कॉलेज एंड एक है गलगोटियस यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी वाला है, अब मैंने मैप्स पे सही डाला, दिख भी रहा आई थिंक ये रहा। तो भाई इसका रास्ता है 1 घंटा और 50 मिनट का, और जो कॉलेज का डाल रखा था वो 1 घंटा 47 मिनट है। और टाइम दिखा दो अभी कितना हो रहा है, 12:18, तो 2:10 दिखा रहा है। पहुँचते भी ना 2:30 जाएंगे और वो क्लोज का टाइम है यूनिवर्सिटी का, तो जल्दी पहुँचो, 2:06। तो रोड भाई बड़े प्यारे हैं, एक जगह तो ऐसी आई नोएडा में, जैसे मैं एंटर करने वाला था तो ग्रेटर नोएडा है, जैसे तो ग्रेटर नोएडा लगे तो जैसे ही अंदर घुसा ना ग्रेटर नोएडा की तरफ, तो भाई क्या ही व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की ना मूवी का सीन चल रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है अलग ही, और नदी के ऊपर जो फ्लाईओवर था ना उस पर चल रहा था, तो मस्त वाइब सी आ रही थी, मज़ा आ गया। तो एक बार वहाँ पे पहुँच के जरूर दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर। और भाई एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ कि अलग अलग है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज अलग है, और पता नहीं क्या क्या एडमिशन यूनिवर्सिटी अलग है, बहुत सड़क है भाई। तो ओरिजिनल जो इसकी लोकेशन है ना वो KMP क्रॉस करने के बाद 10 किलोमीटर दूर है, 10 से 11 किलोमीटर दूर, तो वहीं पर जाके पहुँच के मिलता हूँ। भाई फाइनली निकल रहे यूनिवर्सिटी से, कुछ ऐसी थी यूनिवर्सिटी। और भाई आज तो पेपर देते देते हेडेक हो गया, और बातें ना बाइक पे करूँगा बाइक पे बैठने के बाद। सो भाई हमने अभी जस्ट क्रॉस कराया, ये है अपना यमुना एक्सप्रेसवे, ऊपर अभी इसी पे चलना हमें एंड वो सामने चल रहा, बिल्कुल सामने जो अपना ड्रीम है ना मेरा जाने का वहाँ है वो चीज़, और वो चीज़ आपको दिख रही होगी, वेलकम टू बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। तो जिसको नहीं पता वो एक बार गूगल पे सर्च भी कर लेना क्या चीज़ है क्या नहीं। एंड वैसे बता दूँ भाई ये एक प्रॉपर रेसिंग ट्रैक है भाई लोगों का, जहाँ पे अपनी रेसिंग बाइक रेसिंग कार बंदे महंगी से महंगी लेके आते थे वो वेलकम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। भाई इमेजिन नहीं करा था कि यहाँ पे होगा, मतलब यार पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हो जाता है 70-80 किलोमीटर तो पड़ ही जाता है, फिर भी ज़्यादा दूर नहीं। ये दोस्त की वो होगी पीछे कॉलेज और यहाँ पे ये है, उसको तो ये डेली आने आ जा सकता है यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं, करीब 10 मिनट का रास्ता है पैदल पे, 5 से 10 मिनट का रास्ता पैदल। तो अब हम यहाँ से आगे जाके भाई चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। एंड भाई बात बता दूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद भाई ऐसा हाईवे वहाँ पे स्पीड ही लिमिट 100-120 की स्पीड लिमिट होती है, और कोई दिक्कत ही नहीं आती। वैसे तो आई थिंक वहाँ पे ना बाइकों की एंट्री बंद होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सब लीगल है, सबको पता है ये चीज़। और एक और चीज़ बता दूँ भाई, लीगल चीज़ों की बात कर दी वैसे तो मैंने, तो आज के दिन भी एक चीज़ में मैं इलीगल होके चल रहा हूँ, वो आपको पता ही है पोल्यूशन का हुआ नहीं, तो उसके लिए भाई माफ़ी मांगता हूँ मैं सबसे, आप भी ऐसी गलती कभी मत करना। इमरजेंसी केस या अर्जेंसी का केस है तो यार चलता है, लेकिन ये चीज़ें आगे से आगे रखनी चाहिए अपने साथ, फालतू की टेंशन ना भाई झेल ही नहीं जाती पुलिस वालों की। एंड उसके अलावा भाई मैं बता दूँ पेपर गया 1 नंबर का, लेकिन ना 3 जैसे मेरे 3 पेपर थे, कई बच्चे तो 5-5 पेपर देने आए थे एक ही दिन में, एंड भाई मेरा 3 में ही हो गए थे, करीब 6 बज गए थे, अब निकलते मेरे को 6:15 के आसपास हो चुके हैं, 6:30 ही हो गए, 6:25 हो गए, तो अभी जस्ट निकला ही हूँ मैं एंड यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही अपना यमुना एक्सप्रेस वे आ जाएगा। सो भाई पेपर देते देते मेरे हो गए सरदर्द, और सरदर्द हो गया काफ़ी तेज, मेरी दवाई थी पर्स में नीचे, तो जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता तो मैं दवाई भी नहीं ले सकता था, तो पेपर होते ही मैंने दवाई ले ली और कुछ खा भी लिया, समोसा खा लिया, तो यूँ हो गया कि हाँ पेट में कुछ चला गया, तो हाँ एनर्जी सी आ गया, नहीं तो बिल्कुल डाउन जा रहा था। सुबह से मैंने सिर्फ 2 ही रोटियाँ खाई है एंड भाई ये क्या सीन है जी।
क्या बात है भाऊ जी। तो लगा बाइक के भी कटते हैं लेकिन बाइक के कोई चार्जेस नहीं है भाई। ये देखो यार, ऐसे रोड को देख के ना कोई कह ही नहीं सकता कि भाई हम इंडिया में स्टे कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे जबरदस्त रोड। मतलब मैं तो भाई पहली बार आया हूँ सच बताऊँ तो ऐसे रोड्स पे हैं। मैंने आज तक ये यमुना एक्सप्रेस वे का रोड नहीं देखा था। और बताते हैं कि यहीं से आगरा जाते हैं लोग, तो मतलब अगर हमें आगरा जाना है ना तो इसी रोड से जाना पड़ेगा। देख रहे हो भाई कितना चौड़ा रोड, कितना चौड़ा रोड है, एक नंबर का बड़ा बड़ा। और मेरे को ये भी बताया गया है कि ये इंडिया का सबसे सेफेस्ट रोड है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भाई कोई ना जैसे भैंस वैंस या कोई भी एनिमल आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रोड से भी ना ऐसी हाइट के पे है कि कोई जानवर आ ही नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए सबसे सेफेस्ट रोड कहा जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे भी ना पहले ही बोलते थे कि यमुना एक्सप्रेस वे और केएमपी सबसे बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे भी जगह जगह अब खड्डे वगैरह हो गए, टूट चुका है जगह जगह से रोड, तो जग्स काफ़ी सारे पता लगते हैं। एंड भाई अभी भी सही बताऊँ तो सर में अभी भी दर्द हो रखा है। सीधा पहुँचूँगा प्रशांत विहार और आज प्रशांत विहार से लेके जाऊँगा चाप, क्योंकि कई दिन से मन कर रहा है। और भाई मैं चल रहा हूँ सर्विस लेन में, क्योंकि आपको पता है मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो भाई मेन रोड पे अभी जैसे ट्रैफिक जा रही है तो सेफ नहीं। जब हो जाएगा प्रॉपर अपनी वीडियो बन जाएगी, सर्विस लेन में कोई दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पे कोई बंदा चाहे अपनी हजार ऑन करके पार्क कर ले कार या फिर कुछ भी बात हो या ख़राब हो जाए, क्योंकि तो सर्विस रोड इसीलिए होती है, अपना मंदी मंदी चलते जाओ, किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं। एंड भाई अब देखते हैं कितना क्या रह गया, उससे कॉल कर लूँगा अपने दोस्त से, वो ही बता दे। पता है क्या, जैसे मैं वहाँ से घर से निकला तो 65 किलोमीटर दिखा रहा था, एंड अब यहाँ से नरेला का अपने घर का डाल रहा हूँ पता है कितना दिखा रहा है, 111 किलोमीटर। तो सोचो किसी रास्ते से लेके जाएगा ये। तो ये मेरे दोस्त ने बोला कि भाई ये तो गलत दिखा रहा है, तो एक काम करें यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ जा, सबसे सही रास्ता है वो, आगे मैं तेरे को बता दूँ कहाँ से क्या है। मगर चल भाई ये भी ठीक है, मेरा तो टाइम बच गया और भाई फ्यूल भी बच गया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। और भाई फ्यूल भी देख लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 डंडे रह रखे हैं अभी भी। देखते हैं घर जाते जाते कितने का लग जाएगा कितने का नहीं, बढ़िया क्रूज करते लेके जाएंगे लोअर आरपीएम पे, माइलेज निकालते मज़ा आ जाएगा। सो अब रखता हूँ भाई फ़ोन को अंदर, काफ़ी होगी व्लॉगिंग, अब मिलूँगा सीधा प्रशांत विहार में जब पैक करा लूँगा अपना सामान, एंड फिर मिलूँगा सीधा घर पर। सो भाई प्रशांत विहार से ले लिए चाप, और अब भाई फ़ोन को होल्डर में नहीं रखूँगा क्योंकि अब सारा रास्ता पता है वाजिवा से, तो अब सारा निकलते घर की तरफ और घर पे मिलूँगा अब डायरेक्ट। तो भाई फाइनली आ गया घर पे, एंड आते खाना भी खाने लग गया, तो टाइम हो गया है 8:56, एंड आज प्रशांत विहार से खाना ले आया था। तो आज का दिन आपने मेरा देख लिया, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय, जय हिंद।